अगर मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा भी रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? क्या आप अपने पति के साथ कभी बाहर ट्रिप पर नहीं गई? हाँ, आप हमेशा बाबा के साथ जाती हैं, तो शायद आपको नहीं पता होगा कि अगर एक पति पत्नी साथ बाहर जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है काकू। ए मुलगी, ज़बान खींच के रख दूंगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुझमें कोई तमीज बची भी है या नहीं? हद होती है बदतमीजी की। मैं तो बस ये बोल सही, तुम्हारा गुस्सा समझता हूं मैं, पर मर्यादा मत लांगो प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के बारे में कुछ कहने का, लेकिन अगर मेरे पति पे कोई उंगली उठाएगा, ये बोलेगा कि वो मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए, मुझे अपने हाथों से खाना क्यों खिलाया, मुझे बाहर घुमाने क्यों लेके जाना चाहते हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बस विराट, अब बहुत हो गया। आज इसी वक्त हम ये फैसला ले रहे हैं कि इस लड़की के साथ हम में से कोई भी एक छत के नीचे नहीं रहेगा। काका, इसे अभी इसी वक्त किसी हॉस्टल में या पीजी में छोड़कर आओ, या जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़कर आओ। मैंने सही से शादी की है बाबा, और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हारी इस जिम्मेदारी ने अपनी गैर जिम्मेदारी से हम सब का सुख चैन लूट लिया है, उसका क्या? विराट प्लीज, तुम्हें सही को कहीं और भेजना ही होगा बस। अगर यही आप सबका आखिरी फैसला है तो मैं भी सही के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने तुमसे नहीं कहा था घर छोड़ के जाने के लिए, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? मेरे इकलौते बेटे हो तुम, और सही आपकी इकलौती बहू है। अगर आप अपनी इकलौती बहू को घर छोड़ने के लिए कहेंगे तो आपका इकलौता बेटा भी जाएगा ना उसके साथ। मस्त मस्त, जब मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि अपनी बीवी को लेकर कहीं और चले जा रहने के लिए, तब तुमने क्या कहा था? काकू, मैं तो इस घर में पैदा हुआ हूँ, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, और अब अपनी इस जंगली बीवी के साथ तू ये घर छोड़कर चला जाना चाहता है? मैं आज भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। सही, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं किसी भी वजह से किसी भी हाल में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। तो अगर आप सही को इस घर से निकालेंगे, मैं भी ये घर छोड़कर जाऊंगा। बड़ी मामी, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि आप मुझे मेरे आई बाबा के घर जाने दीजिए। देखा आपने, ये बात खींच के कहां से कहां तक आ गई। कोई बात को खींच नहीं रहा है, इनफैक्ट अगर कोई बात को खींच ही रहा है तो वो आप है। आपको अपने आई बाबा के घर जाना है ना, तो जाइए ना, आपको रोका किसने? नहीं मतलब आप मेरी तरह थोड़ी ना है महीने की
आप पर कोई भी हुक्म चला लेगा और आप चुपचाप उनकी बात मानेंगी। तो अगर आपको जाना है तो प्लीज जाइए, लेकिन आप तो कब से यही बोली जा रही है कि मुझे अपने आई बाबा के घर जाने दो, मुझे अपने आई बाबा के घर जाने दो, लेकिन आप। मोहित चुप हो जा और अपने काम से काम रखना सीख। सोनाली, काम से काम तो तब रखेगा ना जब इसके पास कोई काम होगा। मैं जानता हूँ अभी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन नजरे तो है जिससे सही और गलत साफ साफ नजर आता है। मस्त मस्त, इसे कहते हैं बिना फीस का वकील। ढेले भर की अक्ल नहीं है और ज्ञान बांटने चला है, खुद तो कुछ कर नहीं पाया। एक्टर बनूंगा एक्टर बनूंगा बोल बोल के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अरे एक्टिंग का ए भी आता है तुझे? ऐसा नहीं है काकू, मैं अच्छा। मोहित चुप बस और अपने कमरे में चला जा प्लीज। बाकी दीदी रुकिए। अब तुम मुझे रुकने का हुक्म दोगी? सही हुक्म नहीं दे रही, रिक्वेस्ट कर रही हूं। तुम्हें रिक्वेस्ट करना कहाँ आता है सही? तुम इतना अकड़ के जो बोलती हो। अकड़ के बात नहीं कर रही, ये आपका नजरिया है मुझे देखने का। मैं तो बस आपके जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। पूछो। क्या आप भी चाहती हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है सही? वैसे मैं भी तो इस घर की एक बहू ही हूं, और ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं घर के बड़ों से पूछना चाहिए। ठीक है काकू, बाबा, ओमी काका, सोनाली काकू, मैं जानती हूँ पिछली बार आप लोगों ने जब मुझे कहा था घर छोड़ के जाने के लिए, तो मैंने कहा था अगर विराट सर मुझे बोलेंगे तो मैं अभी घर छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन आज मैं विराट सर के बोलने का इंतजार नहीं करूंगी। आज मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? आप लोगों का जवाब ही आज मेरा आखिरी फैसला होगा। बस सही, बिल्कुल चुप। ये सवाल पूछ ही क्यों रही हो? अगर ये लोग हाँ बोल देंगे तो क्या तुम घर छोड़ के चली जाओगी? तुम इस घर में विराट की वजह से आई हो, विराट के घर वालों की वजह से नहीं। आई, मैं इस घर में हालातों की वजह से आई हूँ, मजबूर होकर। और जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे हमेशा बस एक ही एहसास कराया गया कि इस दुनिया में मुझसे बुरी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, और कोई चाहता ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं, तो फिर मैं इस घर में रहूं ही क्यों? सबको लगता है कि इसमें लगने वाली क्या बात है, इस घर की सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही तो हो। आज तक हम जो भी झेलते आ रहे हैं इस सब की वजह सिर्फ तुम हो, तुम। ठीक है काकू, मैं इस घर की सारी परेशानियां आज दूर कर देती हूँ। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। सही वही नहीं, आप अपने पति का घर छोड़ के क्यों जाएंगी और कहां जाएंगी? फिलहाल आपका अपना ऐसा गढ़चिरौली में कोई नहीं है,
इसलिए वहीनी प्लीज आप जो भी फैसला लेंगी बहुत सोच समझ के लीजिएगा। एक गलत फैसला जिंदगी भर के लिए पछतावा देता है वहीनी। सही के बारे में सोचने के लिए थैंक यू मोहित, पर सही कहीं नहीं जा रही है। अगर ये परिवार चाहे भी तो भी मैं सई को कहीं जाने नहीं दूंगा। चल विराट, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को ही शिवजी और पार्वती की शादी हुई थी, इसीलिए तो सुहागन आज अपने पति की सलामती के लिए उपवास रखती है। विराट, तुमने भी भगवान शिवजी की तरह अपनी पार्वती के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम दोनों की जोड़ी को उनके और माँ पार्वती की जोड़ी की तरह अटूट रखे हमेशा। आई, हम मंदिर जाके आए हो बड़ा, चाहे जितनी भी लंबी कतार हो शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करके आना, समझ लो। समझ लो आई, चलो सही। सही, मंदिर का जो मेन गेट है ना थोड़ा सा दूर है और वहां पार्किंग की भी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। चलो हम सही, एक मिनट। मैंने कल तुम पर अपने पैसों का धौंस जमाया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये लो बिल्वा पत्र और पूजा का सामान लेने के लिए काम आएंगे। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। क्या? ये ना एक बीमारी होती है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें ना इंसान की एक से ज्यादा पर्सनालिटीज होती हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है स्प्लिट पर्सनालिटी। करे, पर ये बीमारी मुझे हाँ, विराट चव्हाण के अंदर दो विराट चव्हाण है।
विराट चव्हाण 1 है ना, वो है खड़ूस, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, और विराट चव्हाण 2 जो केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, समझदार है, और ऐसे गलती करने के बाद सॉरी भी बोलता है। तो तुम्हें कौन सा विराट पसंद है, 1 या 2? मुझे कोई नहीं। अरे क्यों? अनजान रिश्ते ने बांधा है हमको, चाहे न चाहे निभाना है हमको। नाम क्या दे रिश्ते को हम ही न जाने, हम न माने पर जग रिश्ता ये माने। एक मिनट, इसको भी अभी फटना था। तुम एक काम करो, मैं एक मैकेनिक ढूंढ लेता हूं, तब तक तुम ये पूजा का सामान ले लो और लाइन में खड़े हो जाओ। अरे सुनो, हाँ, कहीं गुम मत हो जाना। आपको क्या लगता है मैं बार बार घूमूंगी? तुम पूजा का सामान लेने जाओ, मैं टोकन लेके आता हूँ। ओके। और पूजा के बाद हम क्या करेंगे? आइसक्रीम। ये। जाओ। सही, सही रुको, सही, सही क्या बात है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें फोन किए, तुमने मेरे फोन नहीं उठाए, कॉल बैक भी नहीं किया। फिर मैंने तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस किए, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। आज कॉलेज की छुट्टी थी, मैंने तो सोचा कि मैं तुमसे मिलूंगा कैसे, लेकिन देखो महादेव ने मुझे तुमसे मिला ही दिया। आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं सर? ये जानने के लिए कि तुम्हें आखिर ऐसी कौन सी बात बुरी लगी जो मेरे घर से तुम बिना लंच किए चली गई, और अचानक तुम्हारा बिहेवियर क्यों चेंज हो गया था? आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं सर, खुश रहिए, किसी और की चिंता करने की आपको क्या जरूरत है? जरूरत है सही, आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भाव, इकड़े आ। भाव, थाम थाम, ये तो भाव, इसका मतलब माधुरी पुलकित सर की बहन है। पापा यहाँ पे आओ ना, मुझे ये टॉय लेना है प्लीज। बड़ा थाम, ये तो मी, 5 मिनट। अगर माधुरी पुलकित सर की बहन है तो फिर हरिणी की माँ कौन है? क्या बात है सही, तुम कहाँ खो गई थी? अब नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट कब कर रही हो? आपको मेरे घर आने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमारी डील हुई थी ना, भूल गई? नहीं, अच्छी तरीके से याद है, लेकिन अगर आप वाकई मेरे घर आना चाहते हैं तो पहले मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दीजिए। हाँ हाँ, पूछो, जो पूछना है पूछो। आपकी बीवी कौन है? आपकी पत्नी का क्या नाम है सर? बोलिए, कौन है आपकी बीवी? देवयानी। Thank you.
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.